दोस्तों जलेबियां तो आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन ऐसा एक किलो का स्पेशल केसर जलेबा जो बस यहीं मिलता है, उसे खाने हम पहुंच चुके हैं हरियाणा स्पेशल जलेबी पर। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों आपने आपके लाइफ में जलेबियां तो ढेर सारी खाई होंगी, लेकिन ऐसा स्पेशल एक किलो का जलेबा कभी नहीं खाया होगा, और यही खाने के लिए हम आ गए हैं हरदा के स्पेशल हरियाणा स्पेशल जलेबी पर। तो चलिए भैया के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से जलेबी बनाते हैं, वो भी एक किलो की। जी भैया, मैं आया था आपके पास, आपकी जलेबी खाई थी, काफी अच्छी लगी थी, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था आऊंगा और वीडियो बनाऊंगा। तो आपकी मैंने काफी सुना है एक किलो के जलेबे के बारे में, तो आप क्या वहाँ आज हमें खिलाएंगे? जी जरूर। तो बिल्कुल बना के खिलाइए और बताइए कस्टमर्स को और हमारे व्यूअर्स को कि किस तरह की होती है जलेबी और आप कैसे बनाते हैं। अच्छा, ये क्या चीज है? मैदा है। मैदा है, अच्छा। इसकी जलेबी बनती है? इसकी जलेबी बनती है। अच्छा, जो ये ताजा लगाते हैं अपन, ताजा ही बनाते हैं। अच्छा, डेली ताजा बनाते हैं? डेली ताजा। क्या बात है, बहुत ही अच्छी चीज है ये। तो कैसे बनाते हैं भैया इसको आप? मैदा है और पानी है। अच्छा, मैदा पानी में अच्छे से घोल लो। अच्छा, और गठान मत पड़ने दो। अच्छा, जैसे मलाई की तरह घोल लो। घर पर ऐसी जलेबियां क्यों नहीं बन पाती हैं? हम भी यही प्रोसेस करते हैं, ऐसा क्या खास होता है? वो रहता हमारा कुछ स्पेशल। अच्छा, स्पेशल क्या रहता है ऐसा स्पेशल? वो कुछ भी हमारा सीक्रेट है। अच्छा, सीक्रेट है आपका, आप बता नहीं सकते। आप पूरी एक किलो की जलेबी बनाते हैं? चलिए बनाइए। दिन भर में मतलब ऐसी कितनी जलेबियां बना लेते हैं आप? 10-15 पीस चले जाते हैं। अच्छा, 10-15 पीस जलेबी के चले जाते हैं, वो भी एक किलो वाला जलेबिया का घी है ये? एकदम ताजा? एकदम ताजा है। क्या बात है, ताजा ही ताजा फ्रेश यूज करते हैं। इसका ताजा घी आप यूज करते हैं? जी। ये तो बहुत ही अच्छी चीज है भैया, देखो एकदम बिल्कुल नए कनेस्टर से एकदम ताजा नया घी ले रहा है। दानेदार, ऐसा कुछ नहीं है कि पुराना घी है। तो कब से बना रहे हैं मतलब आप ये जलेबी इस जगह पर, मतलब कितना टाइम हो गया आपके? 16 साल जलेबी ही बना रहे हैं? जी। वहाँ क्या बात है, तब तो बड़ी खूब होगी आपकी जलेबियाँ, खाकर पता चलेगी। तो देखिए बन रहा है एक किलो का स्पेशल जलेबी का घेरा, या वन गो में ही बना देते हैं एक ही बार में? क्या बात, देख सकते हैं जलेबी कितनी ज्यादा पतली है इसके साथ, मतलब ऐसा नहीं, आप मैंने काफी जगह जलेबी खाई है पर मोटी मोटी जलेबी होती है, पर ये एकदम आप देख सकते हैं एकदम भैया पतली पतली जलेबियां बना रहे। अच्छा, कौन सी जलेबी कस्टमर ज्यादा पसंद करते हैं आपका दिन भर में, मतलब ज्यादा एक किलो का जलेबा? ज्यादा छोटी वाली जलेबी जाती है। अच्छा, रेगुलर वाली रेगुलर बनाते हैं ये, जैसे कस्टमर की चॉइस हो गई कि भाई बड़ा चाहिए तो बड़ा बना के दे देते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। दिन में 10-15 चले जाते हैं। 10-15 चले जाते हैं और ज्यादा आपकी ये छोटी जलेबी चलती है ज्यादा। यदि आप भी स्पेशल एक किलो का जलेबा खाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बस 5 मिनट का टाइम देना होगा। तो भैया ये क्या, अभी ये जलेबी पक चुकी है एकदम एकदम जैसे लाल हो चुकी है, या अभी और पकेगी और टाइम लगेगी? हो चुकी है अभी। अच्छा, अगर ज्यादा पकाएं तो इसे जल जाएगी? पकाएंगे तो जल जाएगी। क्या बात है भाइयों, देख पा रहे कितनी कितनी बड़ी जलेबी है, पक चुकी है भाई, एक जने के तो खाने की बस की बात नहीं लग रही है, इतनी बड़ी जलेबी। फैमिली पैक हो गई? अच्छा, फैमिली पैक है, मतलब 4-5 लोग मिलके खा सकते हैं? क्या बात, इतनी बड़ी जलेबी है शायद ही कोई एक जगह से खा पाए, हम खाकर देखते हैं। एकदम केसर में एकदम डूबी हुई जलेबी, और इसको आप ये चाशनी में कितनी देर के लिए रखते हैं? और निकाला बाहर, तो इसमें पूरी जलेबी के अंदर ये जो आपका जलेबा है उसमें चाशनी चली जाती है? चाशनी चली जाती है। और आपने एक चीज देखी होगी, भैया का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि उन्होंने इतना बड़ा एक किलो का जलेबा बनाया और वो टूटा तक नहीं। इस वक्त तैयार हो चुका है हमारा एक किलो का जलेबा, ये रेडी है भैया? रेडी है।
तो दोस्तों इतनी बड़ी जलेबी तैयार तो हो चुकी है, पर इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी जलेबी को हम खाएंगे कैसे। भैया आप कैसे देंगे इतनी बड़ी जलेबी को, ये तो मेरे हाथों में भी नहीं आएगी। अपने पास ट्रे है इसमें। अच्छा, यहाँ खाना चाहेंगे तो इसमें देंगे। अच्छा, नहीं तो पार्सल के लिए अलग से। अच्छा, अलग से सुविधा है। जो भी मतलब कस्टमर यहाँ खाता है आप उसको इस थाल में देते हैं जी। चलिए, तो ये अभी खाने के लिए रेडी हो गई है या और कुछ है? और कुछ है जी, कोकोनट पाउडर। अच्छा, कोकोनट पाउडर डाल रहे हैं भैया इस वक्त इस पर, एकदम भर भर के डाल रहे हैं भैया कोकोनट पाउडर भैया, कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं उसमें। स्पेशल है। अच्छा, स्पेशल है इसलिए, इसमें प्यार भरा हुआ है लगता है आपका। क्या बात है, तैयार हो चुका है इस वक्त हमारा 1 किलो का स्पेशल जलेबा। अब देखते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा इतना बड़ा खत्म कैसे होगा, तो आके आप सभी को हम टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है। देख रहे हो भाइयों, इतनी बड़ी जलेबी, वो भी पूरे 1 किलो की, बल्कि थोड़ी सी ज्यादा ही है। तो मैं इसको खाता हूँ और आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपना कि ये कैसी है। यार इतनी बड़ी तो मैं नहीं खा सकता इसको, इसलिए थोड़ा सा तोड़ के खाएंगे। भाइयों बहुत ज्यादा क्रिस्पी है, मजेदार है, खा रहे हैं तो मुंह में जो केसर का अरोमा आना चाहिए, जो टेस्ट आना चाहिए, वो प्रॉपर आ रहा है। जलेबी के पूरे अंदर अंदर तक उसकी चाशनी भरी हुई है, और इसके बावजूद भी ज्यादा नरम नहीं है, एकदम क्रिस्पी है और मोटी नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी जलेबी और कितनी पतली पतली जलेबी है। तो यार ये मेरे अकेले खाने की बस की बात नहीं है। करण भाई आप खाना चाहेंगे, हमारे दोस्त हैं, हमारे एडिटर हैं, आइए खा के बताइए कस्टमर को कि जलेबी कैसी है। तो मतलब करण भाई की तरफ से भी यस है, उन्हें भी मजा आ गया है, पर इतनी बड़ी जलेबी तो हम नहीं खा पाएंगे, किसी भी जरूरतमंद को दे देंगे। भैया आपकी जलेबी खा के तो हमें मजा आ गया, पर यदि और कोई आपकी जलेबी खाना चाहता है तो आप क्या आपका एड्रेस बता देंगे कि वो किस जगह पर आया है? न्यू बस स्टैंड के पास में ही। अच्छा, हरियाणा स्पेशल जलेबी के नाम से। अच्छा, यहाँ पे आके कोई भी खा सके तो खाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका टेस्ट भी इतना ज्यादा अच्छा है कि वो कोई आना पसंद करेगा। फैमिली पैक में चाहिए तो बड़ा घेरा भी बड़ा करेंगे, जैसे ये क्या बात है। अगर आप भी आपकी शादी ब्याह में भैया के हाथ की जलेबी खाना चाहते हैं तो मैं भैया का नंबर और इस जगह का लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो करें, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे इंडिया की हर जगह का सबसे अच्छा फूड।